आज हम आपको बता रहे हैं देश की वो महंगी शादियां जिन्हें भव्य बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया। आरती पिल्लई और आदित्य विष्णु। केरल के NRI बिजनेसमैन बी रवि पिल्लई की बेटी आरती की शादी कोच्चि के डॉक्टर आदित्य विष्णु के साथ हुई। शाही अंदाज में हुई शादी में 55 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। शादी का सेट 8 एकड़ में बनाया गया है जिस पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस सेट को फिल्म बाहुबली के प्रोडक्शन डिजाइनर ने तैयार किया था। वनिषा मित्तल और अमित भाटिया। 2004 में स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल की बेटी वनिषा और इन्वेस्टमेंट बैंकर अमित भाटिया की शादी में करीब 220 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस शादी का पूरा फंक्शन फ्रांस में हुआ था जहां कई बॉलीवुड स्टार्स ने शिरकत की थी। विक्रम चटवाल और प्रिया सचदेव। 2006 में बिजनेसमैन विक्रम चटवाल और मशहूर मॉडल प्रिया सचदेव की शादी में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस शादी के फंक्शंस मुंबई, उदयपुर और दिल्ली में हुए थे। सहारा वेडिंग। सहारा इंडिया के चीफ सुब्रतो रॉय ने 2004 में अपने दोनों बेटों की शादी लखनऊ में एक साथ की थी। इस शादी में लगभग 552 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। कहा जाता है कि इस शादी में इतना खाना बच गया था कि बाद में इसे 1.5 लाख भिखारियों को बांटा गया था। योगिता जौनपुरिया और ललित तंवर। मार्च 2011 में हरियाणा के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह जौनपुरिया की बेटी योगिता जौनपुरिया और दिल्ली के कांग्रेसी नेता कंवर सिंह तंवर के बेटे ललित तंवर की शादी में लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मल्लिका रेड्डी और सिद्धार्थ रेड्डी। जीवी के ग्रुप के मालिक जीवी कृष्णा रेड्डी की बेटी मल्लिका रेड्डी और सिद्धार्थ रेड्डी की शादी भी देश की सबसे महंगी शादियों में शुमार है। इस शादी में 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे। तो ये थी देश की कुछ मशहूर और महंगी शादियां, जिसके गवाह बॉलीवुड सेलेब्स के साथ कई पॉलिटिशियंस भी बने। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।